हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से एक नया मास्टर क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मास्टर को क्रिएट करने से। मास्टर को क्रिएट करने के लिए आपको अपने टैली के गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ आपको लेजर दिख रहा है उसके ऊपर जस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट मास्टर्स है। मास्टर में चलते हैं और मास्टर क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्टर का इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी नीड एक नए लेजर हेड की है, वहाँ पर आप एक मास्टर क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी डिमांड करती है कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाए। कैटेगराइज करेंगे आप उनको दिल्ली के कस्टमर्स में और मुंबई के कस्टमर्स में, सन्ड्री डेटर्स में। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी एक नया मास्टर क्रिएट करने के लिए। चलिए, सो दिल्ली कस्टमर्स और यहाँ सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेंगे, अंडर सन्ड्री डेटर ही जाएगा। सो इन फ्यूचर में आप डिटेल देखेंगे अपने दिल्ली कस्टमर्स के नाम से। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दीजिए। मुंबई, आप चाहे तो मुंबई का भी बना सकते हैं। ये भी सन्ड्री लेटर में है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ये दो मास्टर हमारे क्रिएट हो गए। अब इनके मदद से हम लेजर तैयार करने जा रहे हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, आप लेजर क्रिएट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, SM प्राइवेट लिमिटेड। SM प्राइवेट लिमिटेड अंडर दिल्ली कस्टमर्स। दिल्ली कस्टमर्स, आप इन्हें चाहे तो और भी चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल ए एंड MS प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका मुंबई कस्टमर्स में। आप एक से ज़्यादा कस्टमर को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर AM प्राइवेट लिमिटेड दिया और इन्हें मुंबई कस्टमर्स में ही रखा है। कंट्रोल ए, वाउचर में इनकी एंट्री कर देते हैं। वाउचर सेल्स में एंट्री कर रहे हैं। कंट्रोल वी करके कर देते हैं, बिना स्टॉक आइटम के फटाफट एंट्री हो जाएगी। एंटर, कस्टमर का नाम हमारे यहाँ पर AM प्राइवेट लिमिटेड है। डन। MS प्राइवेट लिमिटेड डन। डिटेल डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर। अब इन लेजर्स में जो भी आपके लेजर हैं उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। AM प्राइवेट लिमिटेड, इनका स्टेटस है यहाँ पर। और आप चाहें तो ग्रुप समरी देख सकते हैं। ग्रुप समरी में आपने मुंबई रखा हुआ है। मुंबई के कस्टमर्स की जितनी भी सेल हैं वो टोटल सेल आपको दिख जाएगी यहाँ पर ग्राफिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की मदद से आप इसको देख पा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे ही सेल्स के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाउचर क्लास के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।